Lively Weekends, Lively Weekends, जो भी खाए कहता जाए, Lively Weekends, प्यार बढ़ाए, Lively Weekends, Lively Weekends, प्यार से पकाए. Assalamualaikum and good morning everyone. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और साथ साथ अपने दिल को साफ, प्योर और हल्का रख रहे होंगे, क्योंकि जब ये दिल साफ होता है, प्योर होता है, तो हमारी ज़िंदगी भी बहुत हल्की फुल्की और आसानी पैदा होती है और सुकून से गुजरती है और हम ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं. लेकिन जब इसी दिल में थोड़ी सी भी बिटरनेस या कड़वाहट पैदा होती है इंसानों की वजह से, लोगों की बातों की वजह से, हालात की वजह से या चाहते ना पूरी होने की वजह से, तो ये बिटरनेस हमारी ज़िंदगी को बड़ा मुश्किल बना देती है, बोझ बना देती हैं, भारी भारी सा हमें महसूस करवाती हैं, हमें हमारे मकसद से हटा देती हैं और हमें हमारी खुशियाँ जीने नहीं देती हैं, हमारी खुशियाँ छीन लेती हैं. तो ये बिटरनेस को हटाना अपने दिल से बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि किसी का दिल ख़राब नहीं होता, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होता है या ऐसे इंसान ज़रूर होते हैं जिनकी बातें बुरी लगती हैं, जो दिल को हिलाती हैं, दिल ख़राब करती हैं, दिल में बदमज़गी पैदा करती हैं. लेकिन वाकई में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 30-30 साल से इस बिटरनेस को, इस कड़वाहट को, इस गिले शिकवे को, इस दुख को, गम को पालते रहते हैं और हटाते नहीं हैं, दिल से जाने नहीं देते, इस जिस वजह से उनकी ज़िंदगी भी थोड़ी सी भारी महसूस होती है. और जिसे कहते हैं ना कि ये बिटरनेस पॉइजनस आपके जिस्म में, आपके मामलात में, आपके रिश्तों में पैदा कर देती है. तो लेट गो और रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है. आपको नहीं ऐसा लगता, ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि जब थोड़ी सी भी बिटरनेस, थोड़ी सी भी नफ़रत तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, लेकिन एक कोई गिला शिकवा किसी के लिए, कोई गम किसी ने दिया है या कोई कड़वाहट, कोई रंज, ऐसी नेगेटिव सोच आपने अपने दिल में पाली हुई है और जिसके सोच कर आप बड़े अपसेट होते हैं, तो आपको कुछ भी नेकी करने में, कुछ भी इबादत करने में मज़ा नहीं आता. ऐसा लगता है कि शायद अल्लाह ताला ये इबादत कबूल ही नहीं करेगा जब तक हम अपना दिल साफ़ नहीं करेंगे. मेरे साथ तो मुझे बहुत ऐसा फील होता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ को लेट गो करना होगा. और कभी आपसे मुश्किल हो रहा हो लेट गो करना, रिलीज़ करना, किसी की बात को भुलाना या माफ़ करना, तो आप अल्लाह से ज़रूर मदद मांगें और अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ, अपने दिल को हल्का और साफ़ और प्योर करना चाहती हूँ, इसमें या अल्लाह मेरी तू मदद फरमा. बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत जायज़ चीज़ें आपके साथ हुई हुई होती हैं, जायज़ लोगों ने, नाजायज़ लोगों ने, अनफेयर लोग होते हैं, आपसे कुछ ऐसी बातें बोली होती हैं, हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनको वाकई में दिल से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो फिर अल्लाह से ज़रूर रुजू करें. दिल को जितना हल्का रखेंगे ना, ज़िंदगी को आप उतना ही खुशी के साथ और सुकून महसूस करेंगे अपनी लाइफ में. तो लेट गो एंड रिलीज़. आ जाएं जी आज के शो पे. आइए. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू आज? आई एम गुड. तो मैं आपसे दो गुना लंबी लग रही हूँ. हील पहनी हुई है 4 इंच की. अच्छा, और आज आपने बिल्कुल हील नहीं पहनी. हाँ, मैं फ्लैट्स पहन के आई हूँ. होता है कभी कभी. तो आज मैं जरा कंफर्टेबल फील करना चाह रही हूँ. आज मैं आपको ऊपर से देख रही हूँ और आप मुझे नीचे से ऊपर. आज जी बैठो, क्या हाल चाल है, कैसा लग रहा है? यू लुकिंग नाइस. हाँ, थैंक यू. ये थोड़ा ईट टाइप का लग रहा है. एक्चुअली लेकर आई थी जे डॉट से, तो मैंने कहा चलो पहन लूँ. पहले सोचा कि चूड़ीदार कर लूँ इसके नीचे ना. अच्छा, मैं कुकिंग शो में अब ये क्या मैं गरारा पहन कर जाऊँ. चलो जो ड्रेस है उसको पूरा मुकम्मल करो ताकि तस्वीरें उसी तरह से खींचे. कैसा गुजरा भाई हफ्ता? क्या किया? कुछ मज़े का किया? कुछ डिफरेंट किया? कुछ नोटिस किया कि कुछ किया? ये सबसे बड़ी बात है ना, वरना तो दिन गुजर रहे हैं. अभी परसों तरसों 3-4 दिन पहले क्या खाया था याद नहीं. और याद भी नहीं रहता कि क्या खाया था. और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा लगता है कि अभी तो आया था फ्राइडे, अभी फिर जल्दी से फ्राइडे आ गया. कल मैं यही सोच रही थी. एग्जैक्ट 3 दिन पहले क्या खाना खाया था आपने? 3 दिन पहले मुझे याद ही नहीं होगा. सोचना पड़ेगा. ये देखिए, पहले कैसे हम सबको नंबर्स याद रहते थे. वो जो जब डायल वाला एक सिस्टम. सोच के बताना पड़ेगा तो क्या खाया था. सोच के भी नहीं. बिरयानी? नहीं, बिरयानी खाई.
ऐसा तो हमारा दिमाग तीन दिन पहले बिरयानी खाई थी क्योंकि मुझे याद है वो मेरी नीस है हाँ। उसकी सास ने बनाई थी वो लेकर आई थी। अच्छा फिर मैं ऑफिस भी लाई थी बहुत मजे की थी तो मैं ऑफिस भी लाई थी। मैंने रात को खाई थोड़ी सी दो तीन निवाले क्योंकि मैंने एक्सरसाइज की थी तो मैंने सोचा कि अब मैं फिर ये ठूस लूँ और ऊपर से फायदा क्या होगा मेरी एक्सरसाइज का। हाँ, ये भी सही तो फिर मैंने कहा अभी मैं अच्छे से एक्सरसाइज करके एक दो बाइट खाए फिर हाँ। मैंने सैलड खाई फिर मैं सो गई फिर मैं सोचा सुबह ऑफिस ले जाती हूँ थोड़ी सी। अच्छा ऐसा लगता है शाजिया कि जब भूख ज़्यादा लग रही होती है तो कोई ओके चीज़ भी होती है तो हमें बहुत अच्छी लग रही होती है ऐसा इफेक्ट होता है या बिल्कुल जब भूख नहीं लग रही होती और पेट भरा हुआ होता है तो बहुत अच्छी चीज़ भी कहते हैं हाँ बस ठीक है। हाँ ये है ना दिस इज ट्रू क्योंकि जब आपको भूख लग रही होती है तो आपको खुशबू बहुत आ रही होती है सबसे बात है जो ताज़ी रोटी बन रही होती है ना मुझे उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। हाँ अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग बहुत किसी चीज़ की तारीफ कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं हाँ हाँ तुमको भूख ज़्यादा लग रही थी इस वजह से और कोई ख़ास बात नहीं है। और ज़्यादा भूख लग रही हो तो इंसान ज़्यादा भी खा लेता है इसीलिए कहते हैं कि आपको अपनी डाइट को पोर्शंस में खाना चाहिए आपके स्टमक को आपका मेटाबॉलिज्म ना काम करता रहे तो अच्छा है। अच्छा उसकी वजह से काम करता है ज़्यादा। और फिर हाँ। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो तो कहते हैं कुछ ना खाइए इतने घंटे तो के लिए। आपको स्लिम होना है ना तो उसके लिए तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी सिर्फ स्लिम होने के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को वो डाइजेशन हाँ, और ये तो है कि ये फास्टिंग से हम फास्टिंग के रिलेटेड हाँ जैसे आप रोजा रखते हैं तो आपको आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है लेकिन वो डेली बेसिस पे नहीं है वो कि आप सारी जिंदगी ऐसा ही रूटीन रखें सही है क्योंकि हमारा देखें एक महीना आता है ना सर हाँ वो आदत दिलाने के लिए कि आप सारे साल भी ऐसी करो सारे साल नहीं जरूरी नहीं ब्रेक आ रही है। हाँ, है। एक ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे आज मज़ेदार सा कुछ डिज़र्ट तो बन ही रहा है केक बन रहा है हाँ, है ना कॉफी होना है हाँ, कॉफ़ी केक हाँ ज़बरदस्त बाकी सारी चीज़ें हम पूछेंगे एक ब्रेक से आने के बाद कि आज शाजिया हमें क्या क्या सिखा रही हैं और उन्होंने ये कहाँ कहाँ से सीखा और कब कब बनाया और कैसे वेलकम बैक और अब हम शुरुआत कर रहे हैं कॉफ़ी केक से ये कॉफ़ी केक कैसा है शाजिया कॉफ़ी केक के नाम से हाँ इसकी एक मेरी अपनी हिस्ट्री है इसकी अच्छा। क्योंकि मैंने दो रेसिपीज को मिला के खुद बना लिया अच्छा एक मैंने रेसिपी सीखी थी रंगून वालों में बहुत साल पहले कॉफ़ी केक अच्छा तो उसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ खाई थी तो उसको मैंने मतलब उसमें अपना डाला एक चीज़ अच्छा। के ना ऊपर से ज़रा सा ना इसका उसमें बादाम था लेकिन मैं इसमें वॉलनट्स कर दिए अच्छा ठीक है और इसके ऊपर एक जैसे ना क्रम्ब सा आएगा हाँ, हाँ, वो मैंने मिक्सिंग करके ऊपर डालेंगे तो अच्छा इसमें क्रीम वगैरह नहीं है ना इसमें सार क्रीम है वो तो मिक्सिंग में वैसे हाँ, क्रीम वाला नहीं है नहीं क्रीम वाला अच्छा ठीक है सही तो ये इससे मिक्सिंग है कॉफ़ी की वेरी गुड जी कॉफ़ी केक अच्छा, अच्छा सबसे पहले हम बटर ये थोड़ा सा मैल्ट मैंने ज़्यादा कर दिया लेकिन आपने सॉफ्ट लेना है अच्छा ठीक है मैं सॉफ्ट करना चाह रही थी हाँ, फ्रीजर का था ठीक है तो ये मेल्टेड ना हो लेकिन रूम टेम्परेचर हाँ, हो और ये कितना एक प्याली ये हाफ कप हाफ कप ये बेकिंग वाला जो कप होता है वो हाफ हाँ, कप है और इसमें आप ये शुगर जो 1 कप है ठीक है इसको आपने बीट करना है सॉफ्ट पहले बटर हो ना पहले उसको बीट कर लें आप ठीक है अच्छा अगर मेल्टेड है तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा वैसे नहीं नहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा आप ये क्या अब हमारा लाइफ जो है हमें तो करना ही है हाँ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन सॉफ्ट होना तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो बेकिंग के भी रूल्स होते हैं ना हाँ उसका टेक्सचर भी अलग है हाँ तो वो पहले सॉफ्ट बटर का कलर चेंज है फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे अच्छा पहले शुगर एंड सॉफ्ट शुगर एंड बटर को पहले बीट कर लें फिर शुगर ऐड कर लें मतलब सारा अच्छा शुगर नॉर्मल शुगर है या कैस्टर शुगर नहीं कैस्टर शुगर ठीक है कैस्टर शुगर तो ब्राउन शुगर भी जाएगी अच्छा तो ब्राउन शुगर तो बहुत मज़े का लगता है वैसे मुझे भी हाँ ब्राउन बनाना ब्रेड हो बनाना केक हो कैरेट केक हो हाँ मैं तो चाय में भी ये ब्राउन शुगर लेती हूँ हाँ अच्छी होती है ये वही है गुड़ वाली हाँ और इससे अच्छा गुड़ का फ़र्क है नहीं ब्राउन शुगर और गुड़ थोड़ा सा फ़र्क है वो उससे एक फ्लेवर अलग आता है ये थोड़ी सी प्रोसेस्ड होती है ब्राउन शुगर हाँ शुगर टाइप है जो ब्राउन शुगर होती है ना हाँ वो प्रोसेस्ड होती हाँ, है हाँ और गुड़ का फ्लेवर अलग है गुड़ का फ्लेवर अलग होता है गुड़ लें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो गुड़ में कभी केक नहीं बनाया मैंने ये बन रहा नहीं किया गुड़ लिया है ये गुड़ है मैं गुड़ अच्छा ऊपर से जो डालेंगे क्रम ये ऊपर वाला भी और ये भी इसमें भी अभी चलो आज ट्राई करेंगे कैसा टेस्ट आता है ठीक है अच्छा आता है अच्छा आएगा कॉफ़ी के साथ अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है ब्राउन शुगर का अच्छा कितनी देर बीट करना है
इसको बस इसका कलर चेंज हो जाए और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ठीक है, फिर एक एक करके अंडे जाएंगे और चार अंडे आप इस्तेमाल कर रही हैं। सही है। बाय द वे आज आप लोग कॉल कर सकते हैं, होपफुली हमारी लाइंस बहाल हो चुकी होंगी। हाँ, काम तो हो रहा था दो हफ्ते से, तो ऐसा दो पिछले हफ्ते से तो ऐसा लग रहा है कि बात ही नहीं हो पा रही। हाँ नहीं हुआ था, वो खुदाई उदाई हो रही थी ना, तो लाइंस कट हो चुकी थी। तो अब आप लोग ट्राई करें, ज़रा हमें भी पता चले कि कॉल आ रही है। हाँ अच्छा, ये कितनी गुड़ कितना हाफ कप ब्राउन शुगर, हाफ कप ब्राउन शुगर, वन कप शुगर थी और हाफ कप। बॉम्बे बेकरी का खाते हैं ना हम केक, हाँ उसमें नहीं होता ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं। किस में? केक में अपने, वो जो हैदराबाद वाला केक है। अच्छा, ओह वैसा केक, वैसे कहीं और नहीं है। अच्छा, अगर आप लोगों को कॉल करने में कुछ थोड़ा सा इनाम का इंसेंटिव रखना है तो हम आपको एनिक्स का गिफ्ट देते हैं, और आज हमारे पास है डिलक्स कैटल आपको देने के लिए। अच्छा, ये ब्राउन शुगर ना फटाफट अगर बीट भी नहीं करें ना आप, ये मेल्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये ब्राउन शुगर नहीं, गुड़, गुड़ चले, गुड़ बोलने, हाँ गुड़ बोलते हैं, बोले नहीं, लेकिन मतलब मैंने गुड़ ही इस्तेमाल, मैंने रेसिपी में ब्राउन शुगर लिखा। अच्छा ठीक है, हम आज गुड़ में बना रहे हैं, इसका फ्लेवर ज़रा देखेंगे, आप भी बना सकते हैं। वन बाय वन करके चार अंडे डाल। ठीक है, केक्स तो खैर वैसे ही मज़े के लगते हैं। हाँ के बस ये कि टाइम से बन जाए लाइव शो में, तो लेट रखो ना ओवन में, फिर नहीं बन सकता। वैसे आप इमेजिन कर सकती हैं किसी को मीठा ना पसंद हो? हाँ मैं नहीं कर सकती, वैसे होते हैं ऐसे भी लोग, मेरे तो शो पर आए थे शायद लास्ट ईयर। Really? हाँ बिल्कुल भी नहीं खाते ऐसा कोई, बिल्कुल नहीं, भी नहीं, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल शौक नहीं, मैं तो बल्कि वो कर दूँ, चॉकलेट तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। चॉकलेट किस दुनिया की, किस दुनिया से आया, सही बात है। हाँ मतलब बहुत कम। और अभी मेरे कज़न है, कज़न क्या है भतीजा है, वो अपने बेटे को बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं टेस्ट करवा रहे, छोटा है डेढ़ दो साल का, क्या कसूर किया, बट वो बिल्कुल भी मीठी चीज़ चॉकलेट मुंह को लगा ही नहीं रहे कि बड़े होकर उसको शायद आदत ही ना पड़े। अच्छा, ये इसमें ऐसा भी है, वनीला एसेंस 2 टीस्पून, कितना 2 टीस्पून। अच्छा ठीक है, सब अंडे चले गए और वनीला एसेंस। हाँ अब ये सार क्रीम डालेंगे हम इसमें, ये वन कप है, ये सार क्रीम कैसे बनाया है, कितना वो? हाँ मैंने इसमें क्रीम मैंने लिया 1 कप, ठीक है मुझे रेशो उसका, और मैंने विनेगर लिया 1/4 टीस्पून। अच्छा नींबू नहीं डाला? नहीं विनेगर डाला, वैसे नींबू भी डाल सकते हैं, एक ही बात है। दूध लिया 1 कप और उसमें मैंने डाला क्रीम, डाला 1 पैकेट। अच्छा दूध और क्रीम को मिक्स किया? सबसे पहले दूध में विनेगर डाला, 10 मिनट के लिए रख दिया, ठीक है ठीक है, वो फट गया। फिर उसके बाद उसमें 1 पिंच नमक डाला और उसमें क्रीम ऐड कर दिया। अच्छा ठीक है, दूध को पहले फाड़ा फिर क्रीम ऐड की उसमें, हाँ, और 10 मिनट बाद, ठीक है बस सही है, जब वो फट जाए तो ये सार क्रीम बन गई। ठीक है, फिर इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में, रात से रखा हुआ था। अच्छा अब जाएगा इसमें मैदा। हाँ अब मैदे को ना हम सिफ्ट कर लें तो अच्छा है। अच्छा सिफ्ट नहीं किया हुआ? नहीं, जब तक मैं ये बता देती हूँ। हाँ मैदे में ड्राई इंग्रेडिएंट में क्या क्या मिक्स हो रहा है वो बता दो। हाँ ड्राई इंग्रेडिएंट में बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर है 2 टीस्पून, ताकि वो सिर्फ 2 टीस्पून मिक्स हो जाएगा ना। अच्छा 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, हाँ ये 2.5 कप मैदा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ये 2.5 कप मैदा, बहुत अच्छी, बहुत खुश आपके प्रोग्राम से, 2 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ, आज साल मिली है, आज जाके मिली है, 8 साल से। अच्छा आपने टीवी का वॉल्यूम खोल के रखा हुआ है इसीलिए थोड़ा डिले हो रहा है बात करने में आपसे। अच्छा मैंने इसमें बता दूँ,
ढाई कप जो है ना मैदा है, मैदा एक कप इसमें साढ़े तीन मैदा जी जी अच्छा एक मिनट होल्ड कीजिएगा। 2 teaspoon बेकिंग पाउडर है, 1 teaspoon हाफ 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा है और पिंच ऑफ सॉल्ट है। हेलो मसाला टीवी की तरफ से मैंने बहुत कुछ सीखा है किरण, मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहती हूँ। आ जाए क्या बनाएंगी क्या सिखाएंगी? मुझे कोरमा बनाना अच्छा है आता है, कढ़ाई कोरमा बिरयानी जी। ओहो चले हम दावत करते हैं लाइवली वीकेंड्स में, आप हमारी दावत कीजिए आके कोरमा और बिरयानी सिखाइए। हाँ कोरमा बिरयानी सबका फेवरेट होता है ना। हाँ कोरमा अच्छा देखी टाइप का कोरमा बनाती है कैसा अच्छा बनाती है बहुत नहीं घर वाले तो बहुत तारीफ करते हैं, कढ़ाई भी बहुत अच्छी बनाती हूँ। अच्छा नहीं आपको खुद कैसा लगता है कि हाँ ये है मजेदार मैं बनाती हूँ सिखाऊं जरा? वो बच्चे टेस्ट करते हैं ना उनको पता ज्यादा होता है। अच्छा ठीक है नहीं आप जरूर आए और शो कर लेंगी ना आराम से कुकिंग शुकिंग सिखा लेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है जी सही है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप अपना नंबर लिखवा दीजिए या हमें आप ईमेल कीजिए अपनी डिटेल्स तो हम हमारी जो टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगी। थैंक यू। अच्छा ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर रिकैप कर दें। अच्छा ढाई कप जो है मैंने लिया था मैदा, ठीक है वैसे रेसिपी में ना 3.5 कप लिखा है क्योंकि वो एक कप जो है ना वो ऊपर इसकी जो टॉपिंग बनेगी ना उसमें जाएगा। ठीक है और उसमें 2 teaspoon बेकिंग पाउडर है, 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा और पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है अच्छा। ये ड्राई इंग्रेडिएंट को बीट करेंगे, फोल्ड नहीं करना, और बीट करने के बाद फिर आप मोल्ड में डाल के ऊपर का हम बता देंगे। अभी ब्रेक आ रही है जब तक ऊपर का बता दें हम। हाँ ये इसको बीट करके रखते हैं और फिर ऊपर का भी तो डाल साथ ही रखना है, ओवन में जाएगा ना, साथ ओवन में जाएगा। हाँ तो हम ब्रेक से आते हैं ना, ये तो पहले बीट कर लें। नहीं ये रख देंगे ना फिर ब्रेक में? नहीं हम ब्रेक से आने के बाद दिखा देंगे ना उसको। अच्छा अच्छा मिक्सिंग इसकी दिखा देंगे ना। चलो ठीक है कि ऊपर क्या डालना है। अभी जब तक ये मिक्सिंग कर रहे हैं आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक से फिर हम वापस आते हैं आपके सामने। मैं चाह रही थी कि वो टाइम सेव हो जाएगा, बस एक ब्रेक ही तो है, एक ब्रेक इंतज़ार करवाते हैं केक टाइम से बन जाए, ये भी तो मसला होता है ब्रेक, इसीलिए मैंने। अच्छी बातें सुन ली आपने क्या। खैर हम अभी कॉफ़ी केक बना रहे हैं। ये देखिए शाजी अभी तक आपने वो बीट नहीं किया और आप पहले अगला स्टेप कर रही थी। मुझे पता था ना, अंदाज़ा था कि जब तक वो मैदा ही मिक्स होता रहेगा और हम ब्रेक से वापस आएंगे तो सामने ही होगा, उसको टाइम लगेगा ही नहीं। अच्छा सा ये बैटर बना है कॉफ़ी का। बाय द वे अभी तक हमने कुछ कॉफ़ी फ्लेवर इसमें डाला नहीं है, इसमें नहीं गया अभी, सिर्फ वो जो मैदा छान के रखा जिसमें बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर और सॉल्ट वो ये मैं बता देती हूँ। ये इसमें ये जो है ना आपने पहले से करके रखना है, बल्कि हम बाद में बता रहे हैं ये इस मिक्सचर के टॉप पे जाएगा, टॉप पे जाएगा बेक करने से पहले। ठीक है ये है एक कप मैदा, एक कप मैदा है ठीक है, 1 cup ब्राउन शुगर और ये है बटर, ठंडा लेना है आपने बिल्कुल चिल्ड। हाँ तो हमारा तो वो हो गया सॉफ्ट हो गया वो बन जाएगा वो। हाँ क्रम्बल बन, ये सिनेमन 2 teaspoon ठीक है और ये कॉफ़ी है 4 tablespoon। अच्छा अच्छा सा कॉफ़ी का आ जाएगा, इंस्टेंट कॉफ़ी लेनी है आपने और नट्स चाहे आप अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं, आप एलमंड्स ले लें, मैंने ये वॉलनट्स लिए थोड़ा डिफरेंट। बस आपने ना इसको अच्छे से ना जैसे क्रम्बी सा नहीं हो जाता, ये हाथ से करना, हाथ से करना पड़ेगा बिल्कुल मुझे। और सारा कॉफ़ी का फ्लेवर हमने उसके टॉप पे डाला है ताकि जब आप केक का स्पंज खाएं ऊपर से उसकी एक क्रम्बल सा शेल सा जो सरफेस बनता है वो बहुत मज़े का बनता है। और हम आज गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ ये ब्राउन शुगर में भी, ब्राउन शुगर लिखा है मैंने रेसिपी में तो, मेरे पास रखी थी गुड़ क्योंकि चाय मुझे अगर उससे नहीं हो रहा मुश्किल तो हो रही है। हाँ हाथ से कर लो क्योंकि वो जब तक वो फिंगर्स की वो हैंड की वार्मथ नहीं मिलेगी, वार्म नहीं मिलेगी तो वो नहीं बनेगा क्रम। ये क्रम से बनाने और हाँ इसको ना फ्रिज में रख दें आप थोड़ी देर, फिर केक ये बाद में बनाएं। हाँ फिर आप इसको ऊपर से ये, हम हाइजीन का ख्याल रखते हैं एज लॉन्ग एज आपके हाथ धुले हुए। हाँ मेरे हाथ धुले हुए। हाँ तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्लव पहन, मैं तो हाथ धोती रहती हूँ।
और क्या, हाथों से जो फ्लेवर आता है ना, मैं बोलती हूँ खाने में, नहीं, घर में तो मैं हाथों से, इवन प्रॉपर होटल्स में और उस सब में जो गुंडाई का काम होता है वो हाथ से होता है, हाथों से और चीजों से भी नहीं, वो मैं उन बेकरियों की बात नहीं कर रही, नहीं बेकरी लोकल होटल जो होते हैं जिसमें तंदूरी रोटी, बड़े बड़े होटल्स की बात कर रही हूँ, हाँ तंदूरी रोटियां जिसमें बन, जहाँ पर हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है वहाँ तक में ग्लव से बगैर गुंदाई, क्योंकि उनको पता है वो जो है हाथ का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल, वो एक शेफ भी है वो जो डालता है नमक ऐसे हाथ से, कितना मशहूर है, कितना महंगा है उसका पता है खाना आपको? अच्छा नहीं पता, वो मेरी नीस गई थी और उसका नेफ्यू, उन वो बाहर जाते हैं तो उसी के, हाँ टर्की नहीं गए थे उन्होंने, वो तो खैर होता है दूसरे, दुबई में भी होता है, अच्छा तो उसके रेस्टोरेंट गए थे, एक स्टेक खाया था, तो एक स्टेक ही उसका आई थिंक मोर देन 1 लाख पाकिस्तानी रुपीस, यस होगा बिल्कुल आई एम श्योर, तो मैंने कहा क्या आग लगा रहे हो पैसे तुम लोग, क्या कर रहे हो, खुदा को मानो ताला ने उसको इज्जत दी है, वो लोग खा रहे हैं 1 लाख रुपए दे के भी स्टेक खा रहे हैं, हां 1 लाख रुपएगा स्टेक खा रहे हैं उसका और क्या, मैंने कहा मैं तो ना खाऊं जब तक मैं बिना खाए, नहीं ये बात है जो कमा रहे होते हैं माशाल्लाह से फिर वो के लिए क्या है, हां उनके लिए मसला नहीं, अच्छा एंजॉय करेंगे लाइफ को, जितनी दौलत उतना ही हां मजा, अयाशी फरजाना अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपको, आपकी पूरी टीम को इतना प्यारा शो करने के लिए, आमीन, यही दुआएं अल्लाह ताला रात दिन और तरक्की दे, खुशियां दे आप सबको, आमीन आमीन, आपके लिए भी ये तमाम दुआएं अल्लाह ताला आपको भी खुशियां दे, बस अब लाइट आई अभी मैंने शो किया तो मैंने कहा 2 सितारे चमक रहे हैं माशाल्लाह, इतने प्यारे, यकीन कीजिएगा कहते ना जिनको कुछ भी नहीं आता था उनसे कुछ नहीं तो कुछ नहीं थोड़ा बहुत तो सीख ही लेते हैं, सीख ही जो हम बाहर की चीजें खाने से बेहतर है अपने घर में चीज बना के अपने बच्चों को भी उनको भी खिलाएं, अच्छा और दिल से दुआ है आपको इस टीम के लिए कि बाकी जो भी शो है सुपर वो है, किसी में ऐसा नहीं लगता, और मसाले जो हम परेशान होते हैं ना देख के चीजों को कहाँ से लेंगे, लेकिन आप लोग इतना आसान इतना ईजी कर देते हैं यकीन कीजिएगा कि अब तो लड़के भी बनाने लगे हैं, हाँ ना, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है, सही है, मर्दों को भी बहुत शौक हो गया इन चीजों, बिल्कुल सही है, हाँ चीजें भी बनाते हैं, नहीं नहीं अच्छी बात है कि मसाला से इस चैनल से आपको बहुत सारा फायदा हो रहा है और कुकिंग आसान हो रही है, मसाला से सबने सीखी है, हाँ ये तो है, और ये कि आपसे सवाल जात करती है ना, बिल्कुल हमारे दिल की आवाज होती है, हम तो कहते हैं ये पूछें लेकिन आप वो सब सवाल एक एक करके टू द पॉइंट सब कर देती है तो हमारा सब कुछ क्लियर हो जाता है, हमें ये डाउट नहीं रहता कि ये क्या रह गया, तो थैंकफुल आपकी पूरी टीम के लिए, मैं कहती हूँ कि वाकई जैसा शो कोई भी नहीं है, अच्छा जो आसान है, चलो खुश रहिए, अच्छा फरजाना मुझे बताइए कभी ऐसा होता है कि जब बिल्कुल खाली पेट हो और भूख बहुत ज्यादा लगी हुई हो तो खाना ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है, ऐसा होता है? एक बहुत दफा होता है, क्योंकि अक्सर बच्चों को भी कहता है ना कोई वो चीज कभी नहीं खाएंगे जब दिल से बनाओ, जब भूख लगी होगी ना वही चीज उनको इतनी अच्छी लगेगी, कहेंगे आज कुछ ज्यादा अच्छा मिला रहा है, मैं कहती कुछ मिलाया नहीं, आपकी भूख है जो आपको सब ये अच्छा लग रहा है, हाँ, और जब पेट भरा हुआ होता है तो अच्छी चीज भी हम कहते हैं हाँ मतलब ठीक है, हाँ नमक कम है इसमें, ये कम है वो कम है, लेकिन भूख जो होती है ना इंसान को सब कुछ खाने में मजबूर करती है, लेकिन मसाला ऐसी चीज है कि कभी कोई चीज ऐसी खराब नहीं होती है जो खाते हैं बहुत अच्छा, तो दिल से दुआ ही निकलती है कि जो चीज हम नहीं आती थी हम बाहर देख के अफसोस करते थे, अब घर में बना के बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं और दुआएं देते हैं, करें अब अफसोस नहीं करते, एंजॉय करते हैं आप लोग घर में, ठीक है सही है, ठीक है फरजाना हमने आपका नाम डाल दिया लकी ड्रॉ में फॉर एनिक्स, थैंक यू सो मच, कहते हैं ना एम्प्टी स्टमक फाइंड्स नो फॉल्ट विद द फूड, यानी कि जब पेट खाली होता है तो फिर खाना जैसा भी हो उसमें कोई खामी खराबी नहीं दिखती है, मज़े का ही लगता है, चलो जी ये चला 350 पे जो है ना आप रख दें फॉर 55 मिनट्स, सही है, अच्छा वो क्रम्स आपने सारा डाल दिया उसमें, क्रम्स डाल दिया थोड़ा सा, अगर इसकी ना लेयर्स भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर हाँ लेयर भी बन जाएगी, हाँ अंदर भी डाल दें ऊपर भी डाल दें, ठीक है ऊपर से थोड़ा सा हार्ड होगा लेकिन जब लेयर में होगा तो मिक्स हो जाएगा, हाँ उसके बैटर में ही मिक्स हो जाएगा, अच्छा जी हमारा केक हो गया अवन में चला गया कॉफ़ी केक, और अब क्या हम कर रहे हैं सालसा, यहाँ पे हम जो सालसा कर रहे हैं, सालसा नहीं है ये मैक्सिकन चिकन है, सालसा जाइव करते हैं हम, सालसा डांस कर लेते हैं, सीखा है ना किरण आपने तो, हाँ मैंने सिखा हुआ है, सीखा हुआ है मैंने, मुझे भी शौक है, बिगिनर्स और एडवांस मुझे आप सिखा दो, हाँ मैं आई आपको स्पिन देती हूँ एक कहेंगे सालसा में ये कुकिंग शो है या डांस शो है, पार्टनर का डांस होता है, हाँ और ये के सालसा में अगर मेल पार्टनर जो है
उसको आता है तो आपको नहीं भी आता ना, आप सीख जाएंगे, तो वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि वो कुछ ऐसे मूव्स होते हैं, ऐसे इशारे होते हैं वो हाथ के, फिंगर्स के, कि आपको कब टर्न लेना है, कब लेफ्ट होना है, कब राइट होना है, कब दूर जाना है, कब पास आना है, तो वो आपको पता चल जाता है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है पार्टनर को अच्छा आना चाहिए, बस पार्टनर आपका एक्सपर्ट हो तो वो खैर। ज़माना हो गया, किया ही नहीं, अब तो भुला गए होंगे। तो अब क्या कर रहे हैं? अब हम मैक्सिकन चिकन पे आ रहे हैं। ठीक है, बस मैक्सिकन चिकन, ये वो सॉस वॉस के साथ बनता है, इसके साथ सालसा जा रहा है, और ये भी बेक होगा, मतलब अच्छा, जैसे इसके ऊपर चैडर चीज़ आएगी ना, तो वो ज़रा से मेल्ट करने के लिए अच्छा कलर। ठीक है, बाकी सिंपल सी रेसिपी है, हम इसको फ्राई करेंगे। कोई मैरिनेशन है इसकी? मैरिनेशन है, सिंपल सी है। क्या है इसमें रेसिपी भी निकाल? हाँ, मैरिनेशन दिखा देते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, चलो। हाँ। मैरिनेशन सिंपल सी है। हाँ। ये इसमें पानी है ज़रा सा। हाँ, क्या क्या जाएगा मैरिनेशन में? सॉल्ट, पेपर। मैरिनेशन में गार्लिक जाएगा। ठीक है, ज़ीरा पाउडर है। अच्छा, ज़ीरा। हाँ, ज़ीरा पाउडर। ठीक है, ये जाएगा। सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा। सॉल्ट कम लग रहा है मुझे। ठीक है, ठीक है। और ये इसमें क्रश्ड चिलीज जाएंगी थोड़ा सा, इसको स्पाइसी करने के लिए। सही। 1 teaspoon। और ये हम मिक्स करके ना, ये ऑयल भी जाएगा। ऑयल? हाँ, डाल देना, मैरिनेशन दिखा दे। ऑयल और कोई लेमन सिरका विरका कुछ है? नहीं, ब्लैक लेमन जूस है। लेमन जूस क्यों नहीं चल रहा? सही है। ब्लैक पेपर जाएगा, हम डाल लेंगे बाद में। लेमन जूस और थोड़ा सा। अच्छा, और इसको हम ग्रिल करेंगे चिकन? हाँ, पहले हम चिकन को फ्राई कर लेंगे, ग्रिल कर लें, फ्राई कर लें। ठीक है, मिक्स करके। ये चिकन के ना फिलेज हैं। सही है। आप थिन से कर लें, सिंपल सी है, बस इसमें चेडर चीज़ जाएगी ना ऊपर। अच्छा। और सालसा जाएगा फिर उसको। अच्छा, अच्छा। ओवन में सॉस नहीं है ऐसी इसमें है? नहीं नहीं। ओके, वेजिटेबल। ओवन में बस आपने इसको। ठीक है, सही है जी। इसको थोड़ी देर मैरिनेट करके हम ग्रिल कर लेते हैं। इनको कट करना है तो कर दो, या हैमर करना है? हैमर कर दो, हम ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, फिर हम इसको, फिर हम इसकी मैरिनेशन करके जिस तरह भी वो बेक करेंगे, बेक करेंगे या नहीं, ग्रिल करेंगे, पहले ग्रिल करेंगे। हाँ। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर आते हैं, मज़ीद आपसे गपशप लगाएंगे। आप लोग कॉल कीजिए और एनिक्स का गिफ्ट विन करने की कोशिश कीजिए। एक ब्रेक। हाँ जी, दिल हल्का तो ज़िंदगी हल्की फुल्की, ऐसा आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? और अगर मानते हैं तो दिल हल्का करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ताकि ज़िंदगी भी हल्की हो? हाँ शाजी, आपका क्या ख्याल है? आप ज़रा अपने तासुरात की रोशनी में कुछ फरमाइए। किस बारे में? कि जब दिल हल्का होता है तो हाँ, ज़िंदगी भी हल्की रहती है। दिल में ज़रा सी भी कोई बिटरनेस, कोई एक जिसे कहते हैं ना शिकायत, गिला, किसी से कोई ग्राज, हर वक्त रहता है हर एक को, तो फिर ज़िंदगी थोड़ी सी बोझ लगती है, भारी लगती है, एक अजीब सी बिचैनी। खुद इंसान को अज़ियत हो रही होती है उसके लिए। सबसे बड़ी, दिल का हल्का होना, प्योर होना, साफ होना बहुत ज़रूरी है, बहुत। हाँ, तभी फिर हर चीज़ में मज़ा आता है। हाँ, प्यार में मज़ा आता है, इबादत में मज़ा आता है। शिकायतें तो इंसान करता रहे सारी ज़िंदगी, ये नहीं मिला, उसने यूँ कह दिया, इसने ये कर दिया। अगर हो भी जाता है ना, मैं बोलती हूँ ठीक है, इंसान दिल हल्का कर लेता है बात करके, लेकिन फिर आप एक दफ़ा कर लें, आप बार बार ना करें। ऐसे लोगों को जानती हैं जो 30-30 साल से किसी के लिए दिल में बस रखा? बहुत लोग हैं ऐसे, है ना, सभी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ये इल्म आ जाए कि अच्छा अभी मुझे दिल हल्का करना है, अपने ऊपर, अपने अंदर जहर नहीं फैलाना है, अपनी ज़िंदगी को लेट गो सीखना पड़ेगा। लेट गो, लेट गो आसान नहीं होता। जिस पे वाकई गुजरती है और जायज़ गुजरती है, लोगों ने अनफेयर किया होता है उनके साथ, तो लेट गो आसान नहीं होता। फिर आपको मदद चाहिए चाहिए ऊपर हाँ, वाले की, आप उसी से कहते ही मदद। हेल्प योर सेल्फ सबसे पहले। हाँ। जब तक आप अपनी खुद हेल्प नहीं करेंगे, कोई दुनिया का इंसान आके आपकी हेल्प नहीं कर सकता। हाँ। आप सिर्फ सेल्फ पिटी में चले गए तो आपकी ज़िंदगी हो गई ख़त्म, ख़त्म, फिनिश्ड, यू आर फिनिश्ड। ये सोच, फिर आप उसी चक्कर में लगे रहेंगे। हाँ, एटलीस्ट आप ये सोच तो लेकर आएँ कि अच्छा नहीं, मुझे अपना दिल हल्का करना है, अपना दिल साफ करना है। लोग ये सोच भी नहीं लेकर आते और उस
अनफेयर बिहेवियर को, लोगों की बातों को रखते हैं कि ये तो दिल में रखते हैं। अच्छा ये मैं बताऊं, तरबियत बच्चपन से भी होती है एक बच्चों के बताना होगा बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये तरबियत ज़रूरी होती है, क्योंकि बाद में ज़िंदगी में ऐसे सबके, सिर्फ एक के नहीं, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे ओकेजन आते हैं, कोई ना कोई हो रहा होता है, अपने करीबी भी कर रहा होता है, दिल दुखता है, खराब होता है, तो इसकी हमेशा ना मैं तो बोलती हूँ क्योंकि हमारी जो परवरिश की है, हमारे फादर ने हमें हमेशा यही सिखाया कि लेट गो करो, माफ करो आगे, हाँ मूव ऑन करो। अगर ये नहीं सिखाएंगे ना अपने बच्चों को, हाँ, तो बच्चों की ज़िंदगी तबाह है वाकई में। ये भी चीज़ें जो हम बहुत सारे अच्छे बिहेवियर सिखाते हैं बच्चों को, ये सोच भी देना। बाकायदा हम लोगों की मीटिंग होती थी, पूरी फैमिली बैठती थी, फादर बैठते थे, चलो आज मीटिंग करेंगे, वीकेंड है, कितना सारे बैठेंगे, हाँ सारे बैठते थे लर्निंग। तो मैं तो हमेशा हर वक्त याद कर रही होती हूँ अपने फादर को, मेरे फादर की डेथ को भी कम अज़ कम भी 21 ईयर्स हो गए, बट वो इतना कुछ सिखा गए हाँ दिमाग में आपके, मतलब वो याद रही। हाँ उनको मैं चलती फिरती डिक्शनरी बोलती थी, कोई भी वर्ड आया पूछा ये इसका मतलब बता दें, तो उन्होंने खड़े खड़े बता रहे, उनको सारी डिक्शनरीज याद थी, उन्होंने दुनिया की किताबें पढ़ी थी। अच्छा। और आप यकीन करें इतने ज़बरदस्त इंसान थे ना, सभी को वैसे अपना रोल मॉडल होता है फादर, लेकिन मैं तो कहती हूँ लोग तारीफ करते थे मेरे, लोग कहते थे हमने ऐसा इंसान गुजारा, हाँ ऐसा ऑनेस्ट इंसान देखा नहीं जिंदगी, और कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं, ये नहीं है, और फिर ऐसे लोगों से ही आप फिर सीखते हैं। हमारा जो ऑफिस था, मैं फादर के ऑफिस जाती थी, आप यकीन करें इतना ही बड़ा ऑफिस था, इतना स्टूडियो। अच्छा। और पूरी दीवारें जितनी भी किताबें थी ना ऊपर तक शेल्फ में, वो सब पढ़ी हुई थी फादर। आपको मैंने कहा मतलब सारी ज़िंदगी नहीं, फादर से थोड़ा सा आया था, पढ़ती हूँ वैसे। भाई को आई थिंक ज़्यादा आया होगा, भाई तो सारे पढ़ते हैं, हाँ भाई सबसे ज़्यादा मतलब माशाल्लाह से कामयाब है सारे भाई अपनी अपनी फील्ड में, ये नहीं है कि कोई छोटी मोटी जॉब करते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो मतलब सब वाइट कॉलर जॉब, अच्छे हाई लेवल, अच्छे हाई लेवल से, वही तो मुझे खुशी होती है। बचपन से ही अफेक्ट होता है बच्चों के जहन पे कि तरबियत किस तरह की हम दे रहे हैं, क्या बातें उनको सिखा रहे हैं, और खुशी होती है अपनी फैमिली को कामयाब देखते हुए। बिल्कुल क्यों नहीं भाई, बहुत खुशी होती है इससे कामयाब के भाई लोगों की ज़िंदगियों में उनसे भला हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कॉलर टाइप का रिकैप भी हम बता देंगे क्या क्या मैंने किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ मैं, आपकी तरह? हाँ मेरी तरह, और बहुत खुश भी हैं जी। हाँ पता है क्या किरण, हाँ। आपका नाम किरण है ना, मेरी बहू का नाम भी किरण है। अच्छा वेरी गुड। मैंने ये बात शायद आपको पहले भी बताई थी, तो आपने कहा था क्या नाम से मुतासर हो के आपने रिश्ता किया था। मैंने कहा नहीं, जब मुझे पसंद आई वो लड़की, अच्छा, पता चला कि इसका नाम किरण है, हाँ। तो मुझे मजीद पसंद आ गई। चलो मजीद पसंद आ गई, अच्छी बात है। तो किरण की तरह बातें बनाती है वो? नहीं वो मेरी बहू काफी कमगो है, मतलब ये कि सेल्फ सेंटर्ड है, हाँ। बहुत अच्छी है, मैं कहती हूँ मेरे पास बेटी नहीं है ना, अल्लाह पाक ने बहू के रूप में बेटी दे दी। चलो फिर तो बिल्कुल मेरी तरह ही है, मुझे भी बोलने का शौक नहीं, सिर्फ शो करती हूँ तो आप लोगों के सामने बोलती हूँ। अच्छा। हंस रही है, कह रही है अच्छा। अच्छा जी बताइए मुझे, दिल हल्का तो जिंदगी हल्की, मानती है? बिल्कुल बिल्कुल, दिल तो हल्का करना पड़ता है, वरना तो बंदा तो बिल्कुल से दब के रह जाए, अपना दिल हल्का जरूर करना चाहिए। सही है, दिल में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए ना किसी के लिए? नहीं नहीं, वो रखने से अपने आप को ही नुकसान पहुंचता है, और किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। हम अपने आप को ही वो बस माजी में धकेलते रहते हैं, पुरानी बातें याद करते रहते हैं, बस दिल हल्का कर लो, अफो दरगुजर से काम लो, इससे बढ़ के क्या होना चाहिए। बाकी में दिल हल्का तो आप उड़ने उड़ने वाला फील करते हैं ना, ऐसे हम बहुत सुकून मिलता है, बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है इंसान, बिल्कुल हल्का फुल्का, स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन मिलती है, ऐसा लगता है कि रूह बहुत सुकून में है। अच्छी बात है, चलें ठीक है जी, हम आपका नाम ज़रूर डाल देते हैं हमारे लकी ड्रॉ में, और देखते हैं कि एनिक्स का गिफ्ट आज कौन विन करता है। ओहो शाजी आपसे जो गिरा वही शॉट हमने लिया कैमरे में। दे दिया। अच्छा इसकी मैरिनेशन बता दें, जो चिकन की हमने की है सालसा। ब्रेक पे जा रहे हैं क्या? नहीं अच्छा नहीं वैसी मतलब रीकैप। अच्छा मैंने लिए हैं फिलेज, 5 to 6 फिलेज ले लें आप, ठीक है, उसको हैमर कर लिया,
और उसमें 2 टीस्पून गार्लिक डाल दिया, 1 टीस्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल दिया, ठीक है, और लेमन जूस डाल दिया 2 टेबल स्पून, सॉल्ट डाल दिया टेस्ट के लिए, आपके टेस्ट के हिसाब से, सॉरी, ठीक है, और थोड़ा सा ऑयल, और हाँ 4 टेबल स्पून ऑयल, और जीरा पाउडर, जीरा पाउडर भी डाला, क्यूमिन पाउडर डाला है, वो भी 1 टीस्पून, सही। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? हम नेक्स्ट जो है ना, मैं क्योंकि नेक्स्ट रेसिपी हमारी बरीटो की है। अच्छा, अभी ये जल ना जाए, लेकिन अभी कुछ कुछ कर रहे हैं क्या? तो ये बरीटो की ना हम रोटी बना लेंगे ब्रेक में, और हम इसका सालसा भी बता देती हूँ मैं साथ। अच्छा, नहीं, ये रोटी में क्या डाला आपने, मैदा नॉर्मल? हाँ, इसका बरीटो का बहुत ईजी है, मतलब रेसिपी क्या, मैदे में ना आपने बेकिंग पाउडर डालना है, ठीक है, नमक डालना है, और ये मिक्स करके आपने गूंद लेना है। अच्छा, सिंपल ऑयल, ऑयल भी डाल के, ठीक है, सिंपल आपने वो रोटी मैदे की जैसे बनानी है वो ही हम बना लेंगे। बेकिंग पाउडर डलेगा लेकिन? अच्छा, इसमें बेकिंग पाउडर, ऑयल और नमक, 3 चीज़ें डालकर हम इसको बनाते हैं रोटियों को। और हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इसकी सालसा की जो मिक्सिंग है, सालसा कैसे बनाएंगे बता देंगे, वो हम सामने आते हैं। हाँ, ठीक है जी, ब्रेक ले लीजिए। चले जी, शाजिया लग चुकी हैं अपने काम से, इनका फेवरेट काम है बेलना, पराठे बनाना, रोटियां बनाना। अच्छा, चिकन को हमने यहाँ पे ग्रिल करके निकाल लिया था, जो सालसा चिकन बना रहे हैं, और उसमें अब सालसा की जो मिक्सिंग है वो बता दें। हाँ, सिंपल सी है, उसमें ये शिमला मिर्च है 1 कप, ये ने सेम यही सालसा हम उसमें भी अपने बरीटोज में भी यूज़ कर, ठीक है, जो चिकन बरीटो बना रहे हैं हम, ठीक है, ये बारीक बारीक काट लें आप, चॉप कर लें, ककड़ी, ठीक है, अनियन, टोमेटो, और ये पीछे से कोई भी आप वो भी डाल सकते हैं, मैंगो का ज़्यादा आता है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, पता? अच्छा, सालसा में मैंगो या पीच, हाँ ठीक है, और भी कोई फ्रूट आपकी मर्जी है, ठीक है, हाँ, इसमें लेमन जूस, ब्लैक पेपर, बहुत खट्टा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं डाल दें, और थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी डाल दें। अच्छा, और कोई हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह इसमें नहीं है? नहीं, लाल कुटी मिर्चों का इस्तेमाल, हाँ, किया है, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट की ज़रूरत है तो डाल दें, ठीक है, इसमें ब्लैक पेपर डाल दें, सही है, ब्लैक पेपर जो होती है ना फ्रेश, हाँ, क्रश्ड, उसका फ्लेवर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हाँ, इसकी खुशबू आती है, हाँ, अलग ही, सॉल्ट डाल देंगे इसमें हम। तो इसके साथ क्या करेंगे, ये चिकन सर्व करेंगे हम, ये सालसा, हाँ, हम पता है क्या करेंगे, ये चैडर चीज़ है, ये सालसा ऊपर से डालेंगे, फिर उस पर चैडर चीज़ डालेंगे हम, थोड़ी सी देर मेल्ट हो जाए, अच्छा ठीक है, फिर ये आप से, तो इसके लिए वो है डिश है पायरेक्स की कोई है, हाँ, जिसमें हम बेक कर लेंगे, मंगवा लेते हैं हम, हाँ, कुछ है डिश पायरेक्स की दे दें, ओवन में डाल देंगे हम चिकन को, ताकि वो मेल्ट हो जाए। अच्छा, ये हो गया एक चिकन सालसा, ये आधा हम जो है ना अपने बरीटोज में यूज़, ठीक है, सही है, थोड़ा सा इसमें यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ये जो बरीटो की चिकन है अब इसको बनाना है हमने, है ना? हाँ, ठीक है, आ जाए उधर ही, मिक्सिंग होती रहेगी, मिक्सिंग, हाँ, अब ये सिंपल सी है, हम ये बाद में बना लेंगे, हाँ, ब्रेक बाद में बना लेंगे, हाँ, रोटी हम बाद में बना लेंगे ब्रेक में, पहले हम चिकन बना लेते हैं, इसी में बना लेते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ठीक है, चिकन बरीटो जो है वो रोटियों बनाकर चिकन हम ऊपर सर्व करेंगे, उसके ऊपर भी चीज़ जाएगी और बेक होगा, हाँ, उसके ऊपर भी चीज़ जाएगी और वो, हाँ, तो चीज़ मेल्ट करना है बस सिर्फ आपने, जैसे मज़े के बनते हैं ये पड़े, हाँ, ये ना इजी रेसिपी है और बच्चों को बड़ी पसंद होती है ऐसी रेसिपीज, मैंने देखा है, सही है, बच्चे बड़े शौक से, काला तो नहीं हो जाएगा, मैं बल्कि दूसरा ले लो, चलें दूसरा, ऐसा ना हो कि वो उस चिकन का, हाँ, मैं आपको दूसरा ये रहा, ये झटपट रेसिपी है, बच्चे स्कूल से आते हैं, हाँ, माँ को समझ नहीं आ रहा होता क्या पकाएं, तो ये पका लें, इसमें सारी चीज़ें, चिकन, हाँ, भी मिल जाएगी, डिफरेंट, हाँ, बच्चों को बना लें, मैदे की रोटी बना, मैदा नहीं तो आप, हाँ, वीट फ्लावर की बना लें, अपने फ्लावर की बना लें, इसमें थोड़ा सा, लेकिन बरीटोज अगर बना लें तो फिर वो मैदे की, हाँ, अच्छा, इसमें, अच्छा जी, ये भी आ गई, सॉल्ट डाल दें हसबे जायका, इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं है ज़्यादा, नमक, काली मिर्च है, ये चिकन डाल दूँ ना इसमें, चिकन और सालसा थोड़ा डालकर, थोड़ा सा डाल, हाँ, ये इसमें काली मिर्च और नमक ही जाएगा,
और कुछ नहीं जा रहा। अच्छा, फिर इसको प्लेट में निकालना होगा, निकाल लेना। हाँ, सालसा ऐसे करते हैं, बाद में डाल देंगे। अच्छा ठीक, चीज़ डाल देते हैं, बस वो चीज़ पड़ी है ना। ऑलराइट, सालसा वरना ओवर कुक हो जाएगा। सारी डाल दूँ चीज़? हाँ सारी डाल दूँ। देखो मेरे हाथ की सब्ज़ी अभी तक नहीं खाई ना। हाँ, कब कब लाओगी? कब बनाऊँ? नेक्स्ट वीक बना लेती हूँ। चलो लाइनअप करते हैं, नेक्स्ट वीक कर लो। हाँ फिर मैं एक रेसिपी कम कर लूँगी अपनी। नहीं, शॉर्ट रेसिपी कम कर लूँगी। हाँ, एक मैं बनाती हूँ टिंडे की सब्ज़ी और एक मिक्स सब्ज़ी, आलू और सब सब्जियों को मिक्स। ठीक है, दो सब्ज़ियाँ सिखा देती हूँ और दो रेसिपी आप बना लेना। हाँ हो जाएगा। हल्की सी डाल दूँ ओवन में? हाँ, केक मैं रखूँ कोई मसला तो नहीं? नहीं, केक को कोई मसला नहीं होगा। नीचे उसने ट्रे लगाई है, बस हमें मेल्ट करनी है ना। बस सही, खुद ही मेल्ट हो जाएगी। अरे केक कितना जबरदस्त लग रहा है, लगाया ही नहीं। अच्छा, उसके नीचे ही नीचे रखेंगे तो बहुत जल जाएगा ये ट्रे, वो अभी ब्रेक में करवा लेते हैं। अच्छा, अब क्या करना है? बस ये सिंपल काले मिर्च नमक डाल के इसको पकाना है। तो इसकी फिर सॉस बनेगी क्यों? कुछ है ये, मुझे बटर ऐड करना था इसमें। इसकी ये क्या कर रहा है? ये मेरी गलती है क्या? इसमें बटर ऐड करना है। ठीक है ठीक है, बटर में अब कुक करना है। बटर में ना अच्छा फ्लेवर आता है। केक की इतनी कोई अच्छी खुशबू आ रही है ना, कॉफ़ी की आ रही होगी, इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ किया ना उसमें। कोई भी चीज़ अभी तक रेडी नहीं हुई शाजिया, दिल चाह रहा है कुछ टेस्ट करने का, मंचिंग करने का। तो आप इकट्ठा ही कर लेना। हाँ इकट्ठा ही करूँगी। अच्छा जी, चलो चिकन को कुक किया। हुमा, हाफ के जी कुक चिकन। अस्सलाम वालेकुम हुमा। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। आई एम सो हेल्दी माशाल्लाह, सो ब्लेस्ड। आप? मतलब मैं हर रोज़ यही कहती हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मैं हर रोज़ मेरा यही एक दिन होता है कि मैं खुश रहती हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्गर देन आई थिंक आई एम। जहाँ कमज़ोर महसूस करें अपने आप को, जहाँ हल्कान और अजीब उदास महसूस करें, आई एम हैप्पी एंड आई एम स्ट्रॉन्ग, बोलना शुरू कर दें। सही कह रही हैं आप ना, अपने मतलब मैं माइंड को फुल माइंड रखेंगे ना तो आपका दिल भी हल्का रहता है। हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल सही बात है। आप अपने मतलब माइंड को फुल माइंड रखें तो आप यकीनन मतलब कि दिल हल्का रहता है, कोई टेंशन को मतलब दूर रखें अपने आप से। करना पड़ता है ना, क्या करें, वरना ये माइंड हमें मुश्किल कर दे जिंदगी गुजारना। हर बार डिस्कार्ड कर दे, डिस्करेज कर दे, डिफिकल्ट हो जाएगी, फिर हम अब कुछ काम कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते, उठाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, बीमारी हो अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखें। हाँ जरूर, देखने वाले को भी पता हो कि हाँ इनमें कुछ है सलाहियत, तो हम अपने को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। सही बात है, सही बात है। और माशाल्लाह से शादियाँ जो देख रही थी, मैक्सिकन चिकन और चिकन फ्रीटो, तो मैक्सिकन चिकन तो मेरा बेटा भी शौक से खाता है किरण, और तकरीबन दो दिन रोज पहले ही वो कह रहे थे, लेकिन मैंने गर्मी की वजह से बना नहीं सकती। अच्छा, अब ये आसान सी है मैक्सिकन रेसिपी, आप ये ज़रूर बनाई गई दोनों। जी जी, नहीं नहीं इंशाल्लाह ताला। और चिकन फ्रीटो मेरे ख्याल से पहले भी आपके एक इसी चैनल पे मतलब आपके नहीं दूसरे शो में ये बना चुके हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला ये भी बनाऊंगी। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ हुमा। क्या बोल रही थी मैं तो समझ ही नहीं आया मैंने। ये ट्राई करेंगे, इनको बेटे को मैक्सिकन खाना बहुत पसंद है। अच्छा, तो वो पहले भी बना चुकी हैं, दूसरे शोज से देखा है उन्होंने। अच्छा, आपने क्या क्या चिकन डाला? बटर में, बटर को कुक किया, फिर इसमें शिमला मिर्च डाल दी, आधी शिमला मिर्च लेके थोड़ी सी वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, नमक काली मिर्च तो डाला, नमक काली मिर्च। अब क्या होगा? सिंपल सी रेसिपी है, झटपट, बस इसको निकालेंगे हम। अच्छा, रोटी बनाएंगे जो ये टॉर्टिला है वो कब डालेंगे? इसको बना के और वो उसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, और वो दूध थोड़ा सा, नहीं ये सावर क्रीम है, ये भी हाफ कप। हाँ, ये हम इसमें यूज़ करेंगे अंदर, जैसे सॉस। अच्छा, आ नहीं आता, सॉसी सा हो जाएगा ये। सही है, सार क्रीम बता दिया शाजिया ने कैसे बनाना है, दूध में बस ऊपर चैडर चीज़ डाल के ओवन में रख देंगे, वही चीज़ मेल्ट होगी और वो बरीटोस इसके साथ खा लें। चिकन अगर कुक नहीं है आपकी पूरी तो ओवन में कुक हो जाएगी।
सही है, तो हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में आप थोड़ी सी रोटियां भी तैयार कर लेना है। ब्रेक में मैं रोटी बना रही हूं और उसको भी हम ओवन में डालते हैं ताकि ऊपर की चीज मेल्ट हो जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। खुशबू इतने मजे की आ रही है लेकिन अभी तक कोई भी चीज तैयार नहीं हुई है। शाजिया, आई एम हंग्री, आई एम वेरी हंग्री। शाजिया ने कुछ नहीं बोला, इग्नोर मार दिया मुझे। नहीं हो, बस एक साथ खाना होने वाला है। चीजें ऐसी बन रही हैं कि वो ओवन में जा थोड़ा सा हंसती मेरी किसी भी बात पर ना बस हंस देती है शाजिया, और इग्नोर, अंदर क्या चलता है मुझे नहीं पता। शाजिया, अगर आप मेरे खिलाफ अपने दिल में कोई भी ग्रज रखेंगी तो वो आपका मसला होगा। सही बात है, भारी होगी मेरी। मैं ऐसा कुछ नहीं रखने वाली जिसमें मेरी जिंदगी खराब हो, है ना। वाकई में हर कोई अगर अपनी अपनी जिंदगी की इस तरह से परवाह कर लेना तो वाकई में लोगों की बातें भी फिर आपको फील ना हो। मैं लेट गो कर देती हूँ हर एक की बात, वैसे ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी हो जाती है कोई। हाँ, मतलब नहीं मेरा ख्याल रख रहा, ना रखे कोई बात नहीं, हम खुद रखेंगे अपना ख्याल, लेकिन हम उस बात को पकड़ के पकाएंगे, पकाते रहेंगे। हाँ, दिल में बसाते रहेंगे और कुछ ना कुछ और लिंक जोड़ते रहेंगे और दूसरी अच्छी बात भी बुरी लगने लगेगी, सब कुछ चलता हो। थोड़ा अगर कोई कुछ बोल देता है तो इग्नोर भी मार देना चाहिए। हाँ, अब चलो बात उसने गलत बोली, हर्ट भी हुए, अब बस उस पर आप टिके नहीं रहे, जाने दें। घर में अगर बड़े हैं उन्होंने कुछ बोल दिया गुस्से में तो मतलब छोटों को इसका मतलब ये नहीं है कि दिल में बिठा के रख लें और आगे से प्लॉटिंग करें कि यूं क्यों बोल दिया, क्या हो गया, बोल दिया आप, छोड़ो आप, इग्नोर मार दो। बड़े हैं और समझाने के लिए बोला होगा कुछ। जिंदगी को हल्के रखें, है ना, भारी ना करें, वरना तो मज़ा ही नहीं आना कुछ भी। हाँ जी, अच्छा रोटियाँ तैयार हो गई हैं, बस एक ये तैयार करके फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बता देती हूँ इसका। हाँ, एक एक की भी असेंबलिंग बता दो। हाँ, एक की असेंबलिंग बता दें ताकि वो हम उसको केक की पोजीशन ये है कि इट्स राइजिंग अबव, इट्स राइजिंग, इसको आप चेक कर लो, यम्मी, इसको चेक कर लो, इससे नाइफ से चेक कर लो। बहुत मज़े का लग रहा है, बस अब बस हो गया होगा, छोड़ दो ना, निकाल। मेरे ख्याल से नहीं हुआ है क्योंकि टाइम लगता है 55, गीला है अभी। हाँ तो नहीं है, इट विल टेक टाइम, शायद छोड़ के बाद ही रेडी हो। मैं वेट करूँगी शाजिया। हाँ सर, जब तक केक नहीं रेडी होगा। सही है, शो के बाद मैं बैठी रहूँगी। अच्छा, इसकी असेंबलिंग, इसकी असेंबलिंग बता दूँ या पहले सैलड बता दूँ? इसकी पहले असेंबलिंग एक दिखा दो, वो मैस हो रहा है सारा, मैस हो रहा है ना, पहले मैं इसकी सैलड बता देती हूं। कोई बात नहीं, यहीं पर ही कर दो ना, सिर्फ एक ज़रा सा दिखाना ही तो है कि सॉस डालिए क्या डालिए। सिंपल सा हो रहा है, ये लो इधर आओ और सुकून से इसकी चीज़ें डाल दो यहाँ। चलो, और इसको भी ओवन में थोड़ा सा, हाँ एक असेंबलिंग दिखा दो, तो वो तो ब्रेक में हमने सिर्फ वो करना है ठंडा वाला ना, इसमें सिंपल सा और सालसा, ठीक है, सालसा चिकन, थोड़ा सालसा डालें पहले, थोड़ी चिकन डालें, वो रहा ना चमचा, वो तो हो रहा ना स्पैचुला। अब पता चल रहा है कि शाजिया जो है ना टेंशन में आ रही है, शो का टाइम कम हो रहा है। हाँ, जब चीज़ें रेडी नहीं है। चीज़ें हो जाएंगी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती हैं, हमें पता चल जाता है। लेकिन हो जाती हैं रेडी। हाँ, करवा लेते हैं हम आपसे, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा क्रेडिट नहीं, 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 वो तो है, ये तो दिस इज ट्रू। आप बोलती हो ना तो उससे मैं फिर फास्ट होती दे देती हूँ, फास्ट होती चली जाती हूँ। अच्छा जी, सालसा गई, चिकन गया, और ये दूसरी चीज़ें, सार क्रीम। आप कोई वाइट सॉस भी बना सकते हैं। हाँ, वाइट सार क्रीम, नहीं वाइट सॉस नहीं अच्छा लगेगा, सार क्रीम है, सार क्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको टाइम दे दो ना, 24 आवर, और ये जम जाती है। ठीक है, रनी नहीं रहती। ऑलिव्स और चीज़, थोड़े से ऑलिव्स ऊपर भी डालेंगे। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी चीज़ अंदर, थोड़ी सी चीज़ अंदर, थोड़ी सी ऊपर। अच्छा, वो रैप करके फिर हाँ, आप ऊपर भी चीज़ भी डालेंगे, ताकि इसको ऐसे रैप करके हमें वो है कोई टिंका या कुछ, वो टूथपिक टाइप होता है ना कुछ, वो करके और चीज़ ऊपर डाल देंगे। ठीक है, ये हम दूसरा भी तैयार करके इसको बेक करेंगे ताकि कलर आ जाए। अब आपका रहता है यहाँ पर क्विक सैलड, क्विक सैलड है ये, हम बता देते हैं। ठीक है, ये कैसा सैलड है,
ये देसी स्टाइल का कोई सैलेड है? ये मैंने डिजर्ट सैलेड खुद ही बनाया डिजर्ट सैलेड। तो सैलेड दही है क्या है? हाँ योगर्ट है। योगर्ट क्रीम? हाँ। स्मूदी टाइप सैलेड है? हाँ। अच्छा रिकैप सैलेड बोल सैलेड की जल्दी सैलेड बोल जल्दी से। हाँ रिकैप पे जा रहे हैं हम। बोल सिंपल है बस, सारी चीज़ें आपको मिक्स करनी है। वनीला एसेंस डाल दें 1 टीस्पून। अच्छा ये फ्रूट सैलेड है? हाँ हाँ फ्रूट सैलेड। ऊपर से नट्स जाएंगे। क्रीम डाल दें? वनीला एसेंस, क्रीम, योगर्ट, दही। दही आ गई। डिजर्ट सैलेड है? डिजर्ट सैलेड है। शुगर 1 टेबल स्पून। ब्राउन शुगर लाई हूँ इसमें मैं। ये मिक्स कर रहे हैं, उससे मिक्स करेंगे विस्क से। ठीक है तो अच्छा। और फिर ये फ्रूट ऊपर से ये डालना है? ये ऊपर फ्रूट और पिस्ता। ठीक है सही है जी। क्रीम और दही, कोई भी सीजनल फ्रूट, और ब्राउन शुगर और वनीला एसेंस को अच्छे से हम मिक्स करते हैं। आप आ जाएं जी, वेलकम बैक। मैंने कहा कुछ तो खा लूँ मैं, तैयार हो जाए। ये भी मज़े का है, चीज़ और सालसा के साथ चिकन। बस इसमें एक थोड़ी सॉस की कमी, सॉस भी हो ना तो मज़ा आ जाएगा। डोरिटोस में रख देती हूँ वो। हाँ डोरिटोस इसमें रख देती हूँ मैं। हाँ बाद में कर लेंगे, अभी दिखा देते हैं। तो अवन में ना रखे ना? नहीं इस टेबल पे दिखा देते। ठीक है सही है। और ये हमारी फ्रूट सैलेड भी तैयार हो गया। ओवन बार बार खुल रहा है इसलिए केक नहीं बना। केक में अभी टाइम है, सेंटर से अभी नहीं हुआ है थोड़ा सा, बट केक आने पर बहुत मज़े का होगा, कल बता दूंगी। हर उसमें कुछ गलत होने वाला सीन लाइव शो में वैसे कल बता रहे होते हैं सब अपने प्रोग्राम्स में। अच्छा एक एक दिन बनाते हैं। हाँ। रख देते हैं फिर फ्रिज में, फिर दूसरे दिन दिखाते हैं। अच्छा डेली लाइव शो में कौन सब लोग? जरनक का जैसे बेकिंग का होता है ना। अच्छा तो उनका तो बेकिंग का ये टाइम तो उसी वक्त ही खा। अच्छा उनका मसला ये कि उनका दूसरे दिन भी शो हो रहा है, मेरा दूसरे दिन हो नहीं रहा। मैं हूँ ना तो मेरा इसलिए बनता नहीं। मेरा शो तो हो रहा है ना, तो मैं आपका। हाँ आप दिखा सकती है। मैं बिल्कुल दिखाऊंगी। आज केक नहीं जाएगा भाई कल दिखाएंगे, कल खाएंगे। हाँ कल सही है। अच्छा जी हमारे आज के एनएक्स के जो विनर हैं वो कौन है? सुरैया इस्लामाबाद से, आपको बहुत मुबारक हो। एनिक्स का डिलक्स कैटल आपने विन किया है आज हमारे शो से, और अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमारी तकरीबन सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, सिर्फ केक अच्छे से बेक हो जाए, बट ऑल गुड आई एम श्योर। ये चिकन बुरीटो भी मज़े का होगा। हाँ ये तो सार बच्चे क्रीम के साथ ही आप बनाएं इसको। बच्चे खाएं फिर हो जाए नेक्स्ट वीक सब्जी। सब्जी हो जाए मेरे हाथों की सब्जी। सही चलो डिसाइड करते हैं कौन सी। मैं यही सोच रही थी टिंडे की सब्जी खिलाती हूं। सिर्फ केक रह गया हमारा। नो इशू, अभी जैसे शो खत्म होगा हम उसको कल बताना आप लाइव के संडे को केक कैसा। हाँ अभी खाऊंगी ना, अभी चखूंगी, चक्कर ही जाऊंगी। खैर एनीवेज एक बार फिर हम आपका थैंक यू करना चाहेंगे। शाजिया आप बड़ी मेहनत करती हैं, 1.5 घंटे बिल्कुल अपने काम में मसरूफ रहती है मगन। अच्छा मेरा जहन ऐसा है अगर किसी चीज़ में एक चीज़ में माइंड होगा ना तो उसी में फोकस्ड होगा। हाँ। और कोई और बात नहीं सोचूंगी। हाँ। और कोई बात भी कर रहा होगा ना उसकी बात भी इग्नोर कर दूंगी। हाँ, सही है, बस अपने काम से काम रखा है। अपने काम से काम रख रही होती हूँ। माइंड का सब शटर्स विंडोज बंद हो जाते हैं बस, और एक चीज पे फोकस हो जाता है खासतौर पर खाने के मामले। अच्छी बात है, काम है आपका ये। एनीवेज थैंक यू सो मच, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आप कल मुलाकात होगी नए मेहमान नई रेसिपीज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दिल को हल्का रखें और जिंदगी के मजे लीजिए। खुदा Weekends, lively weekends, lively weekends. Har ghar mein jab sab hote hai saath, hoti hai pyaar ki baat. Dil se pakaye aap, jitne ho pyaar se pakaye. Khane ka maza badhta jaye, jo bhi khaye. Love
बीवी